नमस्ते। जिंदगी में अपने गोल्स अचीव करने के लिए स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत जरूरी है। काफी लोग देर रात तक पढ़ते हैं, काम करते रहते हैं, इस दौरान उनके स्लीपिंग साइकिल पर काफी प्रभाव पड़ता है। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको नींद नहीं आती, बार बार उनकी नींद टूट जाती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप स्वस्थ जीवन की ओर एक कदम बढ़ा सके। किसी भी कार्य में सफलता तभी प्राप्त होती है जब आप लगातार मेहनत करते जाते हैं। उस मेहनत के पीछे आपका एक बिलीफ विश्वास होता है कि मैं जरूर करूंगा और करके रहूंगा। ठीक इसी प्रकार का विश्वास आपको आज के अभ्यास में रखना है। विश्वास रखेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। अब हम आपसे 5 ऐसे रूल्स शेयर करने जा रहे हैं जो आपको सोने से पहले करने हैं। पहला, जहाँ आप सोते हैं बेड पर, उस बेड पर आपको बाकी काम नहीं करने, जैसे कि खाना खाना, टीवी देखना आदि। दूसरा, आपको कंफर्टेबल क्लोथ पेयर करने हैं सोने से पहले। तीसरा, जो आपके फोन है, गैजेट है, उसको ऑफ कर दें, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। चौथा, खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप रखना अवश्य है। पांचवा और महत्वपूर्ण पॉइंट, चॉकलेट, चाय, कॉफी, अगर आप इनका सेवन कर रहे हैं कम से कम 5 से 6 घंटे का गैप रखें सोने से पहले, क्योंकि इनके अंदर कैफीन नाम का एक पदार्थ होता है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है और हमारा पूरा बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, अलर्ट हो जाती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब पहले अभ्यास की हम बढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले आपको एक पोस्टर रख लें, एक छोटा सा स्टूल रख लें, कुछ इस प्रकार। अगर जरूरत पड़े तो आप इनका यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मन में पूरे दिन बहुत सारे विचार आते रहते हैं और सोते वक्त भी आते हैं, उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आपको फोकस अपनी ब्रीदिंग पर रखना है। धीरे धीरे आप ब्रीदिंग पर रखेंगे तो आपका मन रिलैक्स होगा और ये होना बहुत जरूरी है। पहला अभ्यास है आपका सपोर्टेड अर्धलासन, जो हम करेंगे बॉल की मदद से। उसके बाद वहीं से जाएंगे हम बटरफ्लाई पोज में। इस दौरान अगर आप कंफर्टेबल हो तो आंखें बंद करके अभ्यास कर सकते हैं। होल्ड आपको 15 से 20 श्वास तक ही रखना है, बाकी आप अपने क्षमता अनुसार कर सकते हैं। तो पीठ के ऊपर लेट जाएंगे, उसके बाद अपने पैरों को ऊपर की ओर रख दें और आपको अपने हाथ रखना चाहे तो पेट पर जेंटली रख सकते हैं। आंखें बंद रहेगी और कोशिश करें अपनी पूरी एकाग्रता अपनी ब्रीदिंग पर रखें। जैसे जैसे आप अभ्यास में बने रहेंगे, अपने आप से जुड़ेंगे, ये आप महसूस कर पाएंगे, आपकी श्वसन गति एकदम सामान्य अवस्था में आ रही है। आपका इनहेलेशन यानी कि श्वास लेना थोड़ा कम हो जाएगा एज कंपेयर टू जब आप श्वास छोड़ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार आपको इस अभ्यास में 15 से 20 तक धीरे धीरे आप महसूस करेंगे जो आपका रक्त है, खून है, वो आपके पेल्विक एरिया पर बढ़ेगा, फिर आपके चेस्ट दिल वाले हिस्से तक पहुंचेगा। इसके बाद बॉडी को धीरे धीरे मूव करते हुए अगले अभ्यास की ओर बढ़ना है, वो है बटरफ्लाई पोज। अगर आप ये अभ्यास नहीं जानते, एक बार आसन को देखें, कुछ इस प्रकार अभ्यास करें। पैरों को जोड़ देना है जितना रख सकते हैं। अगर आपका घुटने का ऑपरेशन हो रखा है तो इस अभ्यास को अवॉइड करें। आप स्टूल की मदद ले सकते हैं, पैर आपको स्टूल के ऊपर रखने हैं, उसके बाद आपको अपनी कमर बेड के ऊपर रखना है, इस बात का ध्यान रखें। ये हो आपका बटरफ्लाई पोज, इसमें भी आपको 15 से 20 मिनट तक अभ्यास करना है। जितना आप अभ्यास में मग्न होकर करेंगे, एकाग्रता के साथ करेंगे, उतना ही आप इसका लाभ मिलेगा। श्वास लंबा गहरा
आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे परिवर्तन, अपनी एकाग्रता अभ्यास में वृद्धि बनाए रखें। इसके बाद अभ्यास को धीरे धीरे पैरों को नजदीक लाएंगे और यहाँ से आप जाएंगे पवन मुक्तासन में कुछ इस प्रकार। थोड़ी देर विश्राम करेंगे, इससे आपकी कमर में जो दर्द होता है पाचन तंत्र के लिए भी और आपकी कमर दर्द के लिए भी यह अभ्यास बहुत लाभदायक है। इसके बाद सीधे हाथ की करवट लेकर आप चाइल्ड पोज करेंगे। चाइल्ड पोज अब कुछ इस प्रकार करेंगे, जो हमने तकिया लिया था हम सुखासन में भी आगे इस प्रकार लेट सकते हैं या फिर आप वज्रासन आते हुए चाइल्ड पोज कुछ इस प्रकार करेंगे। याद रखें जब आप चाइल्ड पोज में जा रहे हैं तो एकाग्रता आपकी श्वसन गति पर ही रहनी चाहिए, तो इसको भी 15 से 20 श्वसन गति तक होल्ड करें। जैसे ही आप ये तीन अभ्यास कर चुके होंगे एक शांति का अनुभव आप कर रहे होंगे। उसके बाद अब हम उसके बाद अगर आपको नींद आ रही है बीच में तो इसे अभ्यास को बीच में छोड़कर तुरंत नींद की ओर प्रस्थान करें। चौथा अभ्यास ये है कि आप कमर सीधी करते हुए अगर कमर सीधी करके नहीं बैठ पा रहे दीवार का प्रयोग करें और उसके बाद आंखें बंद करते हुए कमरे की लाइट कम करते हुए आपको चंद्रवेदी प्राणायाम करना है, यानी कि लेफ्ट से इनहेल करना है राइट से एक्सहेल करना है, बस लेफ्ट से इनहेल राइट से एक्सहेल। तो अब शुरू करें, अंगूठा राइट नॉस्ट्रिल पर लगेंगे, फोर्थ फिंगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट से इनहेल करेंगे और राइट से एक्सहेल। और आपका दूसरा हाथ क्या करना है, इसी अभ्यास को आप 15 से 20 बार करना है। प्रत्येक श्वसन गति को ऑब्जर्व करते जाए किस प्रकार आपकी श्वसन गति शरीर में आ रही है और जा रही है। और इसके अगला अभ्यास हम करेंगे शवासन में, तो आंखों को बंद करते हुए पेट के बल लेट जाएंगे और शरीर को पहले कुछ सेकेंड्स तक ढीला छोड़ देंगे, क्षमता अनुसार श्वास पर श्वास। अब आपको अपना सीधा हाथ पेट पर रखना है, 15 से 20 बार श्वास पर श्वास। अब आपको अपनी एकाग्रता अपने पेट वाले हिस्से पर रखनी है, किस प्रकार आपका हाथ ऊपर और नीचे की तरफ हो रहा है। याद रखें शरीर की मांसपेशियों को टाइट ना ढीला रखें और इस अभ्यास में अपनी एकाग्रता बनाए। और ये थे 5 अभ्यास। ऐसा बहुत बार होगा कि आप अपना पूरा 100% देंगे पर आपको शर्त फल ना मिले, गिव अप नहीं करना, इस बात का ध्यान रखें। जितना आप लगातार पेशेंस के साथ डेडिकेशन के साथ लगातार अभ्यास करते जाएंगे आपका शरीर धीरे धीरे परिवर्तन की ओर तरफ बढ़ता जाएगा। और यही चीज चाहिए एक अच्छी हैबिट बनाने में वक्त लगता है और आपको उसके बाद गर्व महसूस होगा। इस वीडियो का फीडबैक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे अभ्यास देते रहें।